हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल मेटा एजुकेशन दिस इज डॉक्टर शालिनी और आज हमारा पर्पस है एजुकेशन पेपर का जो पेपर टू था उसको आपके सामने सॉल्व करने का इससे पहले मैं बस आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि एन टी ए का जो ये पेपर था वो कैंसिल हो गया है आप सभी को पता होगा तो बस इतना सा बात है कि होप रखिए जल्दी मे बी ये होगा नहीं होगा या जैसे भी होगा देखते हैं बट आप होप लूज मत कीजिए और जो भी कमी इस बार आपकी प्रिपरेशंस में रह गई थी उस पर जल्द से जल्द वर्क करना शुरू कर दीजिए ठीक है तो चलिए स्टार्ट कर एजुकेशन पेपर का ये सॉल्यूशन देखते हैं इस वीडियो में हमने केवल फिफ्टी वन टू हंड्रेड क्वेश्चन को कवर किया है बहुत ज़्यादा हो रहा था इसलिए नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चन को हम कवर करेंगे फिफ्टी uh, वन जो क्वेश्चन है वो है पीई आर टी स्टैंड फॉर प्रोग्राम एवेलुएशन रिव्यू टेक्निक दैट कैन बी यूज फॉर इसको यूज किया जा, जा सकता है किसके लिए तो यहाँ पर इन्होंने चार ऑप्शन दे रखे हैं फर्स्ट सेट एम्स फॉर नेक्स्ट प्रोजेक्ट सेकेंड सेट एम्स टू अटेन फंडिंग सेट इंडिविजुअल मार्क फॉर ऑप्टीमल क्रेडिट एंड थर्ड था फोर्थ था सेट अ रियलिस्टिक टाइम टेबल फॉर प्रोजेक्ट कम्प्लीशन राइट साइड में हमने आपको ये बॉक्स में पूरा बताया है कि जो पी आर टी होता है उसका काम क्या होता है वो आइडेंटिफाई करती है टास्क डिपेंडेंसीज को क्रिटिकल पार्ट को पता करती है प्लान रिसोर्सेज का काम करती है एस्टिमेट टास्क ड्यूरेशन एंड आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क और दूसरा पर्पस है इसका डिफाइन एंड सीक्वेंस एक्टिविटीज कोऑर्डिनेट रिसोर्स रिसोर्सेज एंड ट्रैक प्रोग्रेस एक पूरा ग्राफ बनता है बॉक्स में उसके बाद में ऑप्टिमम जो पाथ है वो फाइंड आउट किया जाता है पर यहाँ पर जो इन चारों ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन हमें लग रहा है वो है सेट अ रियलिस्टिक टाइम टेबल फॉर प्रोजेक्ट कंप्लीशन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू अरेंज द फॉलोइंग प्रॉपर सिक्वेंस एज पर हिल्डा टावर मॉडल ऑफ करिकुलम तो इसका जो करेक्ट सिक्वेंस है वो है सबसे पहले आपके पास आएगा डायग्नोसिस ऑफ नीड्स अगला आएगा ए यानी कि फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिवस फिर आएगा ई यानी कि सलेक्शन ऑफ कंटेंट सेलेक्शन ऑफ कंटेंट के बाद में हम करेंगे उस कंटेंट को ऑर्गेनाइज एंड सबसे लास्ट में आएगा सलेक्शन ऑफ लर्नर एक्टिविटीज ठीक है तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री गांधी फॉर्म स्कूल ऑन कैंपस फॉर द कैंपेन ऑफ सत्याग्रह सत्याग्रह का नाम सुन के गांधी जी का नाम सुन के सभी को साबरमती और ये सारी चीजें याद आती हैं पर यहाँ पर जो टोलिस्टॉय फॉर्म की बात की गई थी वो साउथ अफ्रीका में बना था ठीक है तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर वन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर इज इवेलुएशन क्या है या मूल्यांकन क्या है तो मूल्यांकन में मेजरमेंट और असेसमेंट दोनों शामिल होते हैं ये सबको पता है अब यहाँ पर इन्होंने दिक्कत क्या कर दी वैल्यू जजमेंट कैटेगराइजेशन क्लासिफिकेशन इन सबको लागे दिक्कत कर दी तो जब भी, भी हम इवेल्यूशन कर रहे हैं ना उसका मेन पर्पज़ कैटेगराइजेशन है या क्लासिफिकेशन नहीं होता है उसका पर्पस होता है वैल्यू को जज करना जिस भी चीज़ को हम एवेलुएट कर रहे हैं तो इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन अ स्टैंडर्डाइजिंग अ टेस्ट अमंग द फॉलोइंग ये जो क्वेश्चन ऑप्शन हमें दे रखे हैं इसमें से करेक्ट सिक्वेंस क्या है इनका किसी भी टेस्ट को जो हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट बना रहे हैं उसके लिए तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी डी ई ए सी यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे एडिटिंग द आइटम्स आइटम्स को एडिट करेंगे बनाएंगे आफ्टर दैट हम क्या करेंगे एक्चुअल ट्राई आउट उसको एक ग्रुप पर या एक छोटे ग्रुप पर ट्राई आउट करेंगे आफ्टर डेट उसकी आइटम एनालिसिस करेंगे जिसमें हम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स डिफिकल्टी वैल्यू ये सब पता करते हैं उसके बाद में हमें क्या करना होगा फाइनलाइजिंग द नॉर्म्स जो रिजल्ट्स हमारे पास आएंगे उसके बेसिस पे हम नॉर्म्स को फाइनलाइज करेंगे एंड सबसे लास्ट में एक टेस्ट मैनुअल को प्रिपेयर करेंगे तो ये इसका सिक्वेंस है इसमें बहुत चीज़ें बीच में मिसिंग है बट जो हमें दे रखा था उसके हिसाब से बेस्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर थ्री ही होगा नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स यहाँ पर एक मैचिंग दे रखी है इसमें आपको मॉडल्स दे रखे हैं वन में और सेकेंड में उसके नेम्स दे रखे हैं तो सबको जैसे पता ही होगा कि जो नॉन डायरेक्टिव मॉडल है वो कार्ल रोजर ने दिया था तो बी के अकॉर्डिंग देखें तो बी का हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर तो इसलिए यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर है इसमें साइंटिफिक इंक्वायरी मॉडल जो है वो सचमैन का दिया हुआ है एंड रिमेनिंग आप मैच कर लीजिए तो जब जैसे-जैसे बढ़ती -जैसे जाती है तो उसके हिसाब से अगर हमें किसी भी को प्रेरणा देनी है या प्रॉम्प देने हैं तो उसके लिए क्या करेक्ट सिक्वेंस है जैसे जैसे सीवियरिटी बढ़ती जाए तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी डी ए बी यानी कि सबसे पहले अगर बहुत कम Uh, किसी को डिसेबिलिटी है तो हम उससे बात करके बर्वल प्रमोटिंग प्रॉम्प्टिंग मतलब उसे बर्वल आइडियाज uh, दे के भी काम करवा सकते हैं उससे थोड़ी सी ज्यादा सीवियरिटी है तो जेस्चर मतलब अगर उसे नहीं सुनाई दे रहा है तो हम हाथों से इशारा करके जेस्चर प्रॉम्प्टिंग का यूज कर सकते हैं देन है ए मॉडलिंग प्रॉम्प्टिंग उसके बाद में आ जाएगा पोजिशनल प्रॉम्प्टिंग और जब कोई चल ही नहीं पा रहा है बिल्कुल भी नहीं कुछ हो पा रहा तो उसे फिजिकल प्रॉम्प्टिंग भी हम दे सकते हैं मतलब हाथ से उठा के उसे कहीं ले जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू मी दिस इज अ लॉजिक

ड बाई ऑल चिल्ड्रन इन द नेबरहुड ऑफ कास्ट्रीट कम्युनिटी रिलीजन इकोनॉमिक कंडीशन और सोशल स्टेटसर इज नो सेग्रीगेशन स्कूल्स ठीक है तो ये बात किसने कही थी कोटारी कमीशन का स्टेटमेंट है यह नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सिक्सटी असैसमेंट ऑफ लर्निंग अब असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है मैं बता दूं कि जब हम पढ़ लेते हैं कुछ हमने कर समझ लिया उसके बाद में उसका जब मूल्यांकन होता है वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहा जाता है ठीक है तो ये जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से करेक्ट ऑप्शन है असेसमेंट फॉर लर्नि लर्निंग के लिए रिक्वायर्स स्टूडेंट्स टू आस क्वेश्चन अबाउट देयर लर्निंग मतलब विद्यार्थियों से उनके अधिगम या लर्निंग के बारे में प्रश्न पूछना इसमें होता है ठीक है जबकि जो थर्ड ऑप्शन है रिफ्लेक्ट्स एज अ व्यू ऑफ लर्निंग वो असेसमेंट एज लर्निंग का एग्जाम्पल है जबकि स्टार्टिंग के दो हमारे अकॉर्डिंग असेसमेंट फॉर लर्निंग के अंतर्गत आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन देखते हैं यहाँ पर फोर स्टे स्टेज दे रखी हैं अब इनको उनके जो डिस्क्रिप्शन है उससे कनेक्ट करना है तो जो ओरल स्टेज होती है हम यहाँ पर ना हर किसी को नहीं डिस्कस करेंगे जिस कम से कम चीज में काम चल जाए उसको देखना होता है तो जो ओरल स्टेज होती है उसका जो बेसिक

तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा सबसे पहले हम क्या करेंगे एक नल तो करेंगे कोरिलेशन या जो भी पूरा टेस्ट में सारी कैलकुलेट करेंगे आफ्टर दैट हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे जो कैलकुलेटेड हमारी वैल्यू आई है उसको टेबलेटेड वैल्यू से उसके बाद में हम ये देखेंगे कि जो हमारी हाइपोथिस है वो रिजेक्ट हो रही है या एक्सेप्ट हो रही है और सबसे लास्ट में हम उसके बेसिस पे अपने जो रिजल्ट उनको इंटरप्रिटेट करेंगे ठीक तो ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फॉर मेमोराइजिंग एंड एसिमिलेटिंग इज एक स्ट्रेटेजी है जो याद करने और चीजों को आत्मसात करने के लिए या थिंग्स को आत्मसात करने के लिए सूचना को आत्मसात करने के लिए यूज की जाती है दैट इज निमोनिक्स ठीक जहाँ हम छोटे छोटे हिंट्स के लिए बना लेते हैं चीजें

होते हैं तो देखिए यहाँ पर जो सबसे मेन बात वो बता रहे हैं ई e सही है एडिक्वेट सैंपल साइज होना चाहिए ठीक है दूसरा इसमें जो सही है वो है हमारा ए पॉपुलेशन मैपिंग होनी चाहिए पॉपुलेशन से वो साइज और अगला है ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव सैंपल कि वो जो सैंपल है वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए उस पॉपुलेशन का तो हमारे अकॉर्डिंग इसका आंसर ए बी ई है वैसे क्योंकि ए बी ई e के अलावा और कोई ऑप्शन यहाँ पर ऐसा है नहीं जो डी को भी शामिल किए हुए हैं स्टैट स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स का सैम्पलिंग से कुछ लेना देना नहीं है तो इसलिए ऑप्शन टू इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स सर्वे रिसर्च एक्सपेरिमेंटल हिस्टोरिकल एंड फिलोसफिकल रिसर्च दे रखी है और इसमें जो सैंपलिंग का डेटा है उसके बारे में कुछ बात कर रखी है तो उसका करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर सर्वे रिसर्च में सैंपलिंग की हमें ज़रूरत पड़ती है ठीक है बहुत बड़ा सैंपल होता है उसमें से डिफरेंट सैंपलिंग टेक्निक के थ्रू हम लोग फाइंड uh, आउट करते हैं जो यूनिट्स हमें लेनी है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज़ रिलेटेड विद ट्रीटमेंट यहाँ पर ट्रीटमेंट ज़रूर होता है ठीक है हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या है वो आपका प्राइमरी डेटा से रिलेटेड होती है आप हिस्ट्री में जाके जो प्राइमरी डेटा हमारे पास है उसी पर कोई रिसर्च करते हैं जबकि जो फिलोसफिकल रिसर्च है उसमें कंटेंट एनालिसिस की जाती है ना कि और कोई ऑप्शन इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर फोर नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट आई स्टेप इन फील्डर्स कंटिजेंसी मॉडल ऑफ लीडरशिप इसमें से कौन सा स्टेप नहीं है तो देखिए इसके जो स्टेप्स हैं वो हैं अंडरस्टैंड योर लीडरशिप स्टाइल दूसरा एक्सेस द सिचुएशन तीसरा डिसाइड वेदर यू आर द लीडर फॉर द जॉब एंड फोर्थ इज कंसिडर डेलीगेटी डेलीगेटिंग टू द राइट लीडर एंड फिफ्थ इज ट्राई चेंजिंग द सिचुएशन तो इसमें से बाकी सारे मैच हो रहे हैं बस जो फर्स्ट है बिकम एन ऑथोरेटिव लीडर वो नहीं है तो सिक्सटी सेवन का फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन एट का देखते हैं तो यहाँ पर है अरेंज द फॉलोइंग सिंटेक्स सिंटेक्स ऑफ द इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल ये दे रखा है उसको अगेन ऑर्डर में लगाना है तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास सी ए डी बी ई -E, यानी कि सबसे पहले क्या आएगा कंफ्रंटेशन विद पजलिंग सिचुएशन उसके बाद में आता है हमारा डेटा गैदरिंग जिसमें कि केवल वेरिफिकेशन है उसके बाद में आता है एक्सपेरिमेंटेशन इसमें कुछ लोगों ने कन्फ्यूज कन्फ्यूजन uh, किया होगा कि ए पहले आएगा या डी पर पहले आता है वेरिफिकेशन उसके बाद में एक्सपेरिमेंटेशन एंड देन ऑर्गेनाइजिंग फॉर्मुलेटिंग एक्सप्लेनेशन आफ्टर दैट एनालिसिस ऑफ द प्रोसेस ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन यहाँ पर भी आपको मैचिंग दे रखी है ये स्वयं वाला क्वेश्चन बहुत जगह आया है पेपर वन में भी आया था और पेपर टू में भी आया है ठीक है अब आपको ये बताना है क्वाड्रेंट वन किससे रिलेटेड है टू थ्री फोर ऐसे ही ठीक तो फर्स्ट वाला जो था क्वाड्रेंट वन यानी कि में सबसे पहले आपका एक सिक्वेंस देखिएगा लॉजिकली जब भी हम टीचिंग और असेसमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या प्रोवाइड किया जाता है कंटेंट ठीक है तो यहाँ पर कंटेंट सबसे पहले वीडियो <coughs> फॉर्म्स में प्रोवाइड किया जा रहा है या ई e ट्यूटोरियल्स जिसको हम कह सकते हैं तो वन इज रिलेटेड टू टू तो ई e का हमारा हो गया सेकंड सेकंड क्वार में आ जाएगा ई e कंटेंट तो फिर आ गया फोर्थ आफ्टर दैट डिस्कशन दिया जाएगा और उसके बाद में असेसमेंट किया जाएगा तो ऑप्शन इज़ करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर द बर्धा एजुकेशन कमिटी ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन दैट रिकमेंडेड इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन वॉज चेयर्ड बाय ये कमेटी किसके द्वारा चेयर की गई थी जाकिर हुसैन के थ्रू ठीक तो ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन डिक्ड कैरी इंस्ट्रक्शन डिजाइन मॉडल इज इनका जो इंस्ट्रक्शन डिजाइन मॉडल था उसमें जो करेक्ट सिक्वेंस है वो होंगे होंगे हमारे डी ए ई बी सी सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे इंस्ट्रक्शन गोल्स को फिर आइडेंटिफाई एंट्री एंट्री बिहेवियर आफ्टर दैट डेवलप क्राइटेरियन टेस्ट ठीक है उसके बाद में हमारा आएगा डेवलप एंड कंडक्ट फॉर्मेटिव एवेलुएशन एंड देन ऑनगोइंग गोइंग रिविजन ठीक है अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू टॉपिक सच एज गेटिंग अलॉन्ग विद अदर्स अंडरस्टैंडिंग

एक रिसर्च प्रपोजल रखने के लिए ये सारे स्टेप्स यूज किए जाते हैं इसका करेक्ट सिक्वेंस क्या है वो है ऑप्शन नंबर टू सबसे पहले हम क्या करेंगे एक रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं उसके बाद में उन रिसर्च क्वेश्चंस के बाद में मतलब तो एक जो रिसर्चर है उसके मन में कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं उसके बेसिस पे वो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम बनाता है एंड देन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं उसके बाद में हाइपोथेसिस क्रिएट की जाती हैं और सबसे एंड में जो ये गिवन ऑप्शन है उसमें से सबसे एंड वाला ऑप्शन है राइटिंग सैम्पल एंड सैम्पलिंग टेक्निक नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर यहाँ पर अगेन एक मैचिंग दे रखी है मूक से रिलेटेड कि कौन कौन उसका कोऑर्डिनेटर है किस किस ऑप्शन के लिए तो यहाँ पे यूजीसी जो है वो नॉन टेक्नोलॉजिकल पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम्स के लिए है ये क्वेश्चन भी आपका पेपर वन में आया था शिफ्ट वन का ठीक है तो इसी के बेसिस पे आप लगा सकते हैं ए का थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन तो हमारा इसमें थर्ड जो है वो सही है और दो मैच हो रहे हैं तो अगला भी देख लेते हैं बी है एन पी टी ई एल वो हमारे टेक्निकल या इंजीनियरिंग यू जी एंड पी जी कोर्सेज के लिए है ठीक है इग्नू का सारा जो है वो काम है वो डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट्स को देखना है तो इसलिए जो इसका थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव पिक द इनकरेक्ट मैचेस ऑफ द टीचिंग मॉडल एंड प्रोपोनेंट्स ठीक है 75, अब इसमें से जो इनकरेक्ट मैच है उनको हमें देखना है कि इनमें से कौन कौन सा गलत है तो बी सी एंड डी ओनली ये हमारे गलत हैं बी भी गलत है सी भी गलत है और डी भी गलत है केवल सही आंसर है ए और ई e, यानी कि सोशल ईनिशन मॉडल इज री बी एंड हरबर्ट और सेल्फ अवेयरनेस मॉडल इज रिलेटेड विद पॉल एंड शूड्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स यहाँ पर आपको दर्शन दे रखे हैं फिलॉसफीज दे रखी हैं और उसके फिलोसफर्स के नाम पूछे गए हैं तो देखिए सांख्य दर्शन इज रिलेटेड विद कपिल वेदांत दर्शन इज रिलेटेड विद आदि शंकर ठीक है दो से ही आपका काम हो जाएगा और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर टू जैनिज्म हमें पता ही है जैनिज्म हमारा रिलेटेड है पार्श्व नाथ से और बुद्ध हमारा रिलेटेड है दिग नाग से नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन इसमें भी हमें इनकरेक्ट ऑप्शन देखना है इन चारों में से तो जो इनकरेक्ट है वो है हमारा ऑप्शन नंबर टू ब्रॉड फील्ड्स अप्रोच इज नॉट रिलेटेड विद आइडियलिज्म बाकी सब आपस में रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव डेटा डेटा एनालिसिस एनालिसिस इंक्लूड के लिए हमें क्या करना पड़ता है ये जो पांच ऑप्शन दे, दे रखे हैं इसमें से बी एंड सी केवल करेक्ट है कंटेंट एनालिसिस करनी पड़ती है और पैरामेट्रिक टेस्टिंग हाइपोथिस टेस्टिंग और रिग्रेशन एनालिसिस ये सारा हमारा क्वानिटेटिव एनालिसिस से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन तैतर उपनिषद इसमें जो ये कोर्स दे रखे पांच उनको इनवर्ड की टू हमें अरेंज करना है तो सबसे पहले जो बाहर आएगा वो आएगा अनमय कोश उसके बाद में हमारा आता है प्राणमय कोश फिर आता है मनुमय कोश उसके बाद में आता है विघ्नमय कोश और सबसे एंड में हमारा जो आता है अंदर वो आता है आनंदमय कोश ठीक है तो इसका एक ऑप्शन ऑप्शन नंबर वन है वो करेक्ट है क्वेश्चन नंबर एट्टी सीवर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कॉरेस्पॉन्ड टू आई क्यू रेंज किस रिलेटेड है सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वो है ट्वेंटी टू थर्टी फाइव एटी वन मेटा कॉग्नेटिव रेगुलेशन डिस्क्राइब्स हाउ लर्नर्स डैश एंड डैश देयर कॉग्नेटिव प्रोसेसेस तो जो मेटा कॉग्नेटिव रेगुलेशन है वो ये करता है कि हम एक लर्नर उसके काग्नेटिव प्रोसेस प्रोसेस को मॉनिटर एंड कंट्रोल कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो ए एंड ई इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर एट्टी टू एट्टी टू का जो सही यहाँ पर हमें फिर से मैचिंग दे रखी है कुछ मॉडल्स के नाम दे रखे हैं उनके प्रोपोनेंट्स और ऑथर्स के नाम दे रखे हैं तो ए है द सिटी ऑफ गॉड इज रिलेटेड विथ ऑगस्टाइन रिपब्लिक का सबको पता ही रहता है प्लेटो से रिलेटेड है तो आप प्लेटो भी देखते तो अभी काम हो जाता है ए का फोर देखते आप सॉरी बी का फोर देखते तो बी का फोर दो जगह आ रहा था थ्री और टू में बट रिमेनिंग क्वेश्चन अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर ठीक है यूटोपिया किसने लिखा था थॉमस मोरे ने लिखा था चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर से हमें मैचिंग दे रखी है इकोनॉमिक एजुकेशन के बारे में कुछ टर्म्स दे रखे हैं और इकोनॉमिक्स दे रखे हैं तो उसका सही ऑप्शन ऑप्शन आपको बता देते हैं सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थ्री ए का थर्ड बी का फर्स्ट सी का सेकेंड और डी का फोर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर एटी फोर मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट टू यहाँ पर आपको ईयर सेलेक्ट करना है जो लिस्ट वन में जो एक्ट दे रखे थे, थे उनसे तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए का थर्ड यानी कि जो नेशनल ट्रस्ट एक्ट आया वो आया 1999 में फिर बी का फोर्थ यानी कि जो साल मांग का जो स्टेटमेंट था उन्होंने दिया था 1994 में राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आया 2016 में ये सबको पता होगा एंड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसबिलिटी वो आया हमारा दो में ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट्टी फाइव ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट आर इसमें से कौन कौन से एजुकेशन मैनेजमेंट के कंपोनेंट हैं तो पहला एजुकेशन डायरेक्शन है एजुकेशन मैनेजमेंट का थ्योरी नहीं है मेजरमेंट नहीं है जबकि इवेलुएशन और कंट्रोल है ये लिस्ट है आपको एट कंपोनेंट हम दिखा रहे हैं पहला एजुकेशन प्लानिंग देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेशन सुपरवाइजिंग कंट्रोलिंग एंड एवेलुएशन ठीक है नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट्टी सिक्स क्रिटिकल पैडागॉजीज और ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्क्स ऑफ किसके काम पर क्रिटिकल पैडोगोजी उत्पन्न हुई है या बनी बनी है तो वो है पॉल फेरे ठीक तो ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर वो क्वेश्चन नंबर एट्टी एट एट्टी सिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर एट्टी सेवन इफ इन द पॉपुलेशन इंटेलिजेंस इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इट मीन्स दैट देखिए अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इंटेलिजेंस तो उसका मतलब ये है कि एवरेज पॉपुलेशन जो है वो बीच में लाया कर रही है जो बीच वाला पूरा पोर्शन होता है वो एवरेज पॉपुलेशन का है तो इसका ऑप्शन टू यानी कि मोस्ट पीपल आर एवरेज इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस अगर ये स्क्यूड होता लेफ्ट या राइट right, तो कुछ डिफरेंस आते नहीं तो मोस्टली जो लोग हैं वो एवरेज इंटेलिजेंस के हैं ये ये दिखाता है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर एट्टी एट अगेन मैचिंग हमें यहाँ दे रखी है अगर किसी पर्सन को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है तो उसका आई होगा लेस देन सेवेंटी ठीक है तो ए को आपको कनेक्ट करना है थर्ड से अब ये दो ऑप्शन बचे फिर हियरिंग एम्पेयरमेंट रिलेटेड है किससे ऑडियोमेट्री से ठीक है तो हमारा बी का हो गया ऑप्शन नंबर फोर तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर एट्टी एट नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर एटी नाइन द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द स्टेजेस ऑफ कॉगोनेटिव डेवलपमेंट गिवन बाय प्याजे इज जो प्याजे ने डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कॉगनेटिव डेवलपमेंट दिया था उसका जो सही ऑर्डर है वो है सबसे पहले आएगा सी द पीरियड ऑफ सेंसरी मोटर एडेप्टशन फिर आएगा ई द डेवलपमेंट ऑफ द सिम्बोलिक एंड प्री कॉन्सेप्शनल थाट्स फिर आएगा बी द पीरियड ऑफ इंट्यूटिव थाट्स उसके बाद में आएगा द पीरियड ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन एंड सबसे लास्ट में आएगा द पीरियड ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन ठीक है नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटी एंड्रागोजी इन्वॉल्व एंड्रागोजी में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं तो एंड्रागोजी वो है जो मतलब जैसे पेडागॉजी छोटे बच्चों को पढ़ाना कहा जाता है ऐसी एंड्रागोजी यानी कि बड़े या व्यस्क लोगों को पढ़ाना तो इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी देखिए जो मोस्ट एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन नहीं होगा यहाँ इंट्रेंसिक मोटिवेशन जब होता है तभी बच्चा जब जो एडल्ट है वो पढ़ने जाएगा दूसरा है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग तो होगी इसमें बी इज द करेक्ट सी है लार्ज अमाउंट ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस यस उनके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे होंगे लाइफ के क्योंकि एज के साथ में एक्सपीरियंसेस मिलते हैं डी है टीचर लेड इंस्ट्रक्शन टीचर जो इंस्ट्रक्शन देगी केवल उसी को फॉलो किया जाएगा नहीं ये लोग अपनी भी चलाते हैं ठीक है ई e है यंग चिल्ड्रन ये यंग होते हैं नहीं तो केवल इसका बी एंड सी करेक्ट है तो ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट आंसर वो क्वेश्चन नंबर नाइन्टी नेक्स्ट देखते हैं नाइन्टी वन अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रंस नॉलेज इंक्रीजेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ डैश एंड डैश एसिमलेशन एंड एकोमोडेशन से बच्चों की जो है नॉलेज इंक्रीज होती है ब्याजे ने ऐसा बोला था इसलिए ए एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शन सो ऑप्शन टू इज़ द करेक्ट आंसर नाइन्टी वन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन्टी टू हैबर मास डिस्टिंग थ्री डायलैक्टिकली रिलेटेड लेवल्स ऑफ कॉगनेटिव इंटरेस्ट दे आर कौन कौन से थे टेक्निकल प्रैक्टिकल एंड लास्ट वाला इसमें क्रिटिकल दे रखा है बट जो लास्ट वाला हैबर मास ने बताया था वो बताया था इमेंसिपेट्री जिसको लिबरल या फ्रीडम वाली चीज़ कहा जाता है पर क्रिटिकल नहीं था तो इसमें जो बेस्ट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन नंबर वन नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्टी थ्री द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन वॉज ड्राफ्टेड बाय एन सी आर इज द करेक्ट आंसर ऑब्वियस आंसर था ये नाइन्टी थ्री का नाइन्टी फोर देखिए यहाँ पर एक कुछ लाइन्स दे रखी है किसी कविता की द पोएम इज गो गेट एजुकेशन इज रिटन बाय ये सावित्री बाई फूले ने ये जो कविता थी या पोएम थी वो लिखी थी नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फाइव आ पोर्ट्रियल एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स एंड सिचुएशन इन दियर रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट इज इथनोग्राफी से ये सारा कुछ हमारा रिलेटेड है ठीक है रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में जो ट्राई आउट किए जाते हैं वो इथनोग्राफी स्टडीज होती हैं उसी में किए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सिक्स इन अरेबिक लैंग्वेज एंड इस्लामिक ट्रेडिशन एजुकेशन इज नोन बाई थ्री टर्म्स इसमें से कौन सा नहीं है जिसका मतलब एजुकेशन होता है तो तालीम का हमको सभी को पता है कि एजुकेशन होता है तालीब का भी सबको पता है एजुकेशन होता है अब दो शब्द यहाँ पर है तरबिया और तजारत तो तरबिया भी एजुकेशन ही होता है बस तजारत जो है वो करेक्ट नहीं है तजारत का मीनिंग होता है ट्रेड और कॉमर्स ठीक है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सेवन यहाँ पर सैम्पलिंग के टाइप्स दे रखे हैं और उसको जो डिस्क्रिप्शन है उससे मैच करना है तो देखिए सिस्टमेटिक सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी एक सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होती है तो ए का थर्ड आ जाएगा ये तो ऑब्वियस है तो इन दोनों बचे हमारे पास अब जो रिमेनिंग है क्लस्टर सैम्पलिंग तो क्लस्टर सैम्पलिंग और कोटा सैम्पलिंग में सबको कन्फ्यूजन हुआ होगा ऑब्वियस है ये क्लस्टर सैम्पलिंग हमारा है लार्ज एंड वाइडली डिस्प्रेड पॉपुलेशन जब पॉपुलेशन बहुत बड़ी होती है तो उसको छोटे छोटे क्लस्टर्स में बांट के और फिर उसमें से सैंपल्स लिए जाते हैं तो वो हमारा क्लस्टर सैम्पलिंग होता है ठीक तो इसका बी का हमारा होगा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज वन तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थ्री फॉर क्वेश्चन नंबर नाइनटी सेवन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर एट इंटरनल एंड एक्सटर्नल आर द प्रोसेस इन्वॉल्व इन ये दोनों प्रोसेस केवल हिस्टोरिकल रिसर्च के पार्ट है ना कि किसी अदर रिसर्च के नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर नाइन्टी नाइन यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे रखा है और पूछा है द अव अंडरस्टैंडिंग कैन बी एसोसिएटेड विद तो ये जो सही आंसर होगा वो होगा मार्क्सिस थ्योरी ऑफ एजुकेशन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का फील्ड नोट्स आर एसोसिएटेड विथ केस स्टडी सर्वे रिसर्च इथनोग्राफी और फेनोमोलॉजी इसमें से जो सबसे करेक्ट आंसर है वो है इथनोग्राफी केस स्टडी से रिलेटेड है बट फिर भी केस स्टडी में कभी कभी फील्ड नोट्स की आवश्यकता नहीं पड़ती वो एक ही पर्सन होता है जो आपके रूम में या आपकी लैब में या फिर आपके साइको डिपार्टमेंट uh, में बैठा होता है उससे आप नोट्स ले रहे होते हैं वो फील्ड नोट्स नहीं कहे जाते हैं तो इसलिए इथनोग्राफी इज द बेस्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शन तो इसलिए ऑप्शन नंबर टू इज़ द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर हंड्रेड आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा एक्सप्लेनेशन भी समझ में आया होगा अगर कोई डाउट है यू कैन फ्रीली आस्क अगर कोई क्वेश्चन गलत है आप बता भी सकते हैं अब आप तो आपके क्वेश्चन सही जाने का कोई मतलब नहीं है मेन इसको समझ लीजिए अपने नेक्स्ट जो भी एग्जाम आएगा उसके लिए थैंक यू एंड अ नाइस डे एंड ख्याल रखिए ऑल द बेस्ट